हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनुमान चौधरी आपका वेट्स इंजीनियरिंग क्लासेज में तहदिल से स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी मस्त होंगे, बिंदास होंगे, सब एकदम तैयार हो, एकदम तैयार हो क्या क्लास के लिए सभी विद्यार्थी? चलो भाई, लगता तो ऐसे ही है कि सब तैयार है, है ना? लगता तो ऐसा है कि सब तैयार हैं, आ चुके हैं क्लास में। ठीक है भाई, चलो भाई सभी विद्यार्थी एक बार फिर से क्लास को लाइक शेयर करें। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। राम राम भाई, राम राम, राम राम विक्रम, राम राम। ठीक है, चलो आज के अपने सेशन में बात करने वाले चंडीगढ़ वेटनरी इंस्पेक्टर के पेपर के बारे में सॉल्यूशन करने वाला है। जैसे कि आपने बहुत दिनों से क्लासे ले रहे हो विद्यार्थी, जो पंजाब सॉरी चंडीगढ़ वेटनरी इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उससे पहले का एक क्वेश्चन है, तो आप खुद ये देखेंगे इसमें कि देखो वास्तव में ही जो सर ने पढ़ाया था वही क्वेश्चन मिले हैं और लेवल भी काफ़ी अच्छा था पेपर का। ठीक है, तो अपन चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में। चलो भाई, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, और फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो भाई। ठीक है, चलो जी भाई, साहिल प्रजापत, राम राम जी, राम राम जी। ठीक है, हाँ जी, नर सूरों में बदियाकरण करने की विधि है बॉडी जो सर्जिकल गर्म लोहे या इलास्ट्रेटर, है ना? तो फटाफट से आपको आंसर देना शुरू कर दो भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। चलो भाई, सर्जिकल, वेरी गुड अभिषेक मोहर ने सभी जबरदस्त तरीके से आंसर दिया है। राहुल राजपूत, चौधरी गर्ल्स, वेरी गुड, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। आपको पता हो तो मैंने एग्जाम से पहले एक क्वेश्चन करवा दिया था, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो भाई। ठीक है, चलो भाई, क्या था भाई इसमें आंसर क्या रहेगा? सर्जिकल। एक चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउट वाले भी आएंगे। जो चंडीगढ़ वेटनरी इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट था वहाँ का, उसने जो आंसर माना है उसी के आंसर के अनुसार अपन चलने वाले हैं। तो कोई भी विद्यार्थी क्वेश्चन को बिना पढ़े, बिना आराम से समझे, जिद्दी ना करे। ठीक है, चलो भाई, बिल्कुल वेरी गुड। क्या रहेगा भाई? सर्जिकल। ब्रडी जो आपको पता है लार्ज एनिमल में किया जाता है, और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला उपकरण भी यही है, सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला। लिया जाने वाला, ठीक है जी भाई। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में ग्रास टिटेनी किसकी कमी के कारण होता है? कितने बार करवा दिया ये क्वेश्चन आपको, है ना? कितने ही बार करवा दिया पूछो मत, बहुत बार करवा दिया ये क्वेश्चन, बहुत बार करवा दिया, है ना? तो आपको बताना है सिलिकॉन, सोडियम, सेलिनियम या मैग्नीशियम। मैंने पहले भी बताया था पशुओं में ग्रास टिटेनी किसकी कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन मैंने जब बीएसएफ का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले भी आपको काफ़ी अच्छी तरह करवाया गया था। ठीक है, चलो भाई फटाफट से बताना शुरू कर दो। वेरी गुड अभिषेक मोर, राहुल, जेपी कटारिया, जाटनी, चौधरी गर्ल्स, राहुल राजपूत, वेरी गुड, एल एस ए, हरिंदर, विष्णुई, रेखा, वेरी गुड, बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ठीक है, क्या आएगा भाई इसमें? मैग्नीशियम आएगा, इसीलिए उसने कैल्शियम नहीं दिया है। ठीक है, इसीलिए उसने कैल्शियम नहीं दिया क्योंकि कैल्शियम की कमी से किस में होता है? घोड़ी में होता है। ठीक है, मैं यार किस में होता भाई? मेयर की कमी से होता है, इसीलिए उसने, देख लो, कैल्शियम का नाम भी नहीं दिया है ना, नाम भी नहीं दिया है कैल्शियम का। ठीक है, चलो भाई वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बेल के लिए ढका और खुला क्षेत्र आवश्यक है 0714 स्क्वायर फीट, 12 से 120 स्क्वायर फीट, 4 से 8 स्क्वायर फीट, 25 से 150 स्क्वायर फीट। तो फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो भाई। चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो। देखो लाइक शेयर नहीं करते हो आप यार, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लाइक शेयर नहीं करते हो। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो भाई। वेरी गुड, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आंसर दे रहे हो, इसी उमंग और जोश के साथ आंसर देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एम एस मोहित आ चुका है क्या? चलो भाई वेरी गुड, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से, बिल्कुल अच्छा आंसर दे, आंसर भी बहुत अच्छा दे रहे हो, है ना? चलो भाई वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरह से आंसर दे रहे हो, चलो अच्छी बात है भाई। हाल बढ़िया है भाई, तू बता? मेरे हाल बहुत बढ़िया है, आप बताओ आपके कैसे हैं?
मैं तो मस्त हूँ, बिंदास हूँ, फिरता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, क्लासे लेता रहता हूँ। आप बताओ, तैयारी वारी अच्छी चल रही है ना? चलो भाई, इसका आंसर दो भाई फटाफट से, सभी विद्यार्थी आंसर दो भाई। क्यों, शादी करनी है क्या तेरे को? डीपी लगा ली तो। चलो भाई, क्या आएगा? बी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में ब्रुसेला स्ट्रेन 19 का टीका किया जाता है केवल मादा बछिया में, केवल नर बछड़े में, केवल वैक्स जानवर में, या सभी उम्र के या लिंग जानवर में? ठीक है, चलो भाई आंसर देना शुरू कर दो भाई फटाफट से। चलो भाई आंसर देते रहो भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छी, जानदार, शानदार तरीके से आंसर आंसर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए भाई। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आंसर देते रहिए भाई। वेरी गुड, ओनली फीमेल, वेरी गुड। मादा बछड़ी में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? मादा बछड़ी में किया जाता है। कब, कितनी उम्र में? 4 से 8 माह की उम्र में। अरे यार, रटा ही दिया ये तो। ओनली मादा बछड़ी में किया जाता है, जीवन में एक बार किया जाता है ना मोहनलाल? वेरी गुड। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन के उत्पाद का उदाहरण है? उत्पाद का उदाहरण पूछ रहा है, मांस, दूध, ऊन व खाद। चलो भाई फटाफट से बताना शुरू कर दो। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, नाइट वाली क्लास में भी बताया था। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ये होता है देखो बच्चों, बात तैयारी करने का। अब आप रेगुलर से ले रहे हो ना, लगभग लगभग इसमें 70, मतलब 70 क्वेश्चन है, उनमें से लगभग 65 क्वेश्चन लगभग पुराने पेपर में से आए हुए हैं, पुराने पेपर में से आए हुए हैं। वेरी गुड अभिषेक मौर, ब्लड लाइन हरियाणा। वेरी गुड, बहुत ही शानदार जानदार तरीके। एके साहब जाटनी, MS मोहित, संदीप चौधरी गर्ल। वेरी गुड, चलो भाई हंसके हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आंसर देते रहिए भाई। क्या आएगा इसमें? खाद आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? खाद आएगा। ठीक है, चलो भाई वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुपालन में रिकॉर्ड रखना क्यों महत्वपूर्ण है? कानूनी नियमों का अनुपालन करना, पशु स्वास्थ्य और उत्पादन की निगरानी करना, परिचालन व लागत बढ़ाने के लिए, या अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्याओं से बचाने के लिए? चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो। पशु कब तक आएगी? सितंबर में आएगी भाई। देखो, जिस जिस में क्लास में जिस चीज़ की बात की जाए उसी की बात किया करो, ताकि अदर जो बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। आपकी अच्छी बात है, जब मैंने अभी इवेंट किया था तब कहाँ गए थे भाई? उस टाइम भी पूछ सकते थे आप। ठीक है, क्योंकि जो विद्यार्थी जिससे रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, उसी में दिक्कत आती है। ठीक है, चलो भाई वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आंसर दे रहे हो, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, क्या आएगा मेरे प्यारे से विद्यार्थियों? बिल्कुल, पशु स्वास्थ्य और उत्पादन की निगरानी करना, क्या रहेगा इसमें? बी आंसर रहेगा आपका। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आंसर दिया है। बिल्कुल वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पशुधन फार्म में जैविक सुरक्षा विधि है? विभिन्न पशुओं प्रजातियों को एक साथ मिलाना, उर्वरक के लिए अनुपचारित खाद का उपयोग करना, या आगंतुकों को पशु क्षेत्रों में प्रतिबंधित पहुंच की अनुमति देना, या नए जानवरों के लिए सिंह रोध उपनयन को लागू करना? चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो भाई। वेरी गुड, बहुत ही शानदार प्रोडक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, चलो जी अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो भाई। चलो जी, वेरी गुड, संदीप ने डी बताया, चौधरी गर्ल ने डी बताया, ब्लड लाइन हरियाणा, जाटनी, रेखा, अभिषेक, कितने अच्छे आंसर दे रहे हैं और कितना ही जबरदस्त आंसर दे रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है क्लास लेने का, है ना? चौधरी गर्ल, राहुल राजपूत। ठीक है भाई, क्या, चलो आप सभी का आंसर क्या है इसमें? डी रहेगा भाई। क्या रहेगा? आपके सबके कहने के आधार पर और मैंने भी आंसर की जांच किया, तो इसमें क्या आएगा भाई? डी आएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, चेवोन चेवोन इज द बेस्ट मीट ऑफ।
चेहोन इज द मीट ऑफ रैबिट बफेलो गोट शीप। चेहोन चेहोन का मांस है खरगोश भैंस बकरी भेड़। कल ही क्वेश्चन करवाया था ये, कल शाम को ही करवाया था, कल ही नहीं पता नहीं कितने बार क्वेश्चन करवा दिया ये ना, कितने ना जाने कितने बार करवा दी। लगा क्या लगा दी भाई अभिषेक, क्या लगा दी? चलो भाई वेरी गुड वेरी गुड। एके साहब वेरी गुड वेरी गुड। मोहनलाल जी चलो जी। चौधरी गर्ल्स राहुल आशीष वर्मा एके साहब चलो भाई वेरी गुड। वाह चौधरी वाह। एक्सप्लेन के साथ क्या रहेगा भाई इसमें? रहेगा बेड का जो रहेगा वो मटन रहेगा, बेस का केरा बीफ। ठीक है जी चलो भाई चलो जी। अगले क्वेश्चन का आंसर है आपका, स्पीति इज ए ब्रीड ऑफ बफेलो डॉग हॉर्स पिग। स्पीति किसकी नस्ल है? भैंस कुत्ता घोड़ा सुअर। चलो भाई फटाफट से आंसर बता दो। चलो भाई फटाफट से बताओ भाई। बिल्कुल सही है, रेबिट का क्या रहेगा? गेम रहेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ भाई फटाफट से। चलो जी वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आंसर दिया है आप लोगों ने। चलो भाई वेरी गुड। क्या रहेगा भाई? स्पीति फोन फॉरम हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही बात कही है भाई। ठीक है साहिल रिद्धु। चलो भाई गोड कैमल इसमें हॉर्स हो जाएगा। ठीक है चलो जी अगला क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन की संख्या है 145.12 मिलियन, 192.49 मिलियन, 302.79 मिलियन, 535.78। अच्छा घोड़ा जी। चलो भाई वेरी गुड। अब कि मान लिया भाई घोड़ा है। चलो भाई वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का आंसर देते रहो भाई फटाफट से और क्लास को लाइक शेयर करते रहो भाई। क्लास को क्या करते रहो भाई? लाइक शेयर करते रहो। शाम को जीके की क्लास भी होगी भाई, होगा तो क्या? बिल्कुल आपका आंसर सही है डी। क्या सही है भाई? डी आपका आंसर सही है। वेरी गुड। ठीक है डी सही है। हाँ चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका, वह जानवर जिसमें रोग तो है लेकिन लक्षण नहीं है, वह इसे दूसरे जानवर का तक पहुंचाने में सक्षम होता है, सक्षम है वह कहलाता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना और फिर आराम से आंसर देना। वह जानवर जिसने रोग तो है लेकिन लक्षण नहीं है और वह इसे दूसरे जानवर तक पहुंचाने सक्षम है कहलाता है, वाहक वेक्टर जलाशय या फोमोमाइट। चलो भाई अब फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो। प्रियांत रोहिला वेरी गुड। चलो जी भाई चलो भाई फटाफट से आंसर देते रहो भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ डॉक्टर साहब संदीप यादव जी, अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई। ठीक है चलो जी क्या रहेगा? बिल्कुल ए आंसर सही रहेगा इसमें। क्या रहेगा भाई? ए आंसर सही रहेगा। बिल्कुल साहिल रिद्धू ए रहेगा भाई। ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका, डबल टोर दूध में वसा प्रतिशत होता है 1.5%, 3.5%, 4.5% में 6.0%। चलो भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जेपी कटारिया जी जिसमें जो सही है वो बता दो। ठीक है चलो जी अगले क्वेश्चन का आंसर सुन कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना शुरू कर दो भाई। चलो फटाफट से वेरी गुड। जाटनी ए अभिषेक मोर 1.5 ना भाई। चलो भाई फटाफट से देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। एक के साहब ने भी ए बताया है। कुछ विद्यार्थी ऐसे तो नहीं है ना जो एक ने आंसर दे दिया तो उसी की कॉपी मार दो। राहुल राजपूत टोंड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिंगल टोंड 3%। चलो भाई क्या रहेगा भाई इसमें? 3.5% रहेगा। बी ऑप्शन सही रहेगा। चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किसका ऊपरी होंठ गतिशील एवं जीभ बहुत लचीली होती है? मवेशी, खरगोश, बकरी, बैट। चलो जी अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो। ठीक है चलो भाई, निम्नलिखित मैंने क्वेश्चन क्लियर कर रखा है जाटनी, पीछे मैंने अलग से क्वेश्चन करवा, नहीं आई प्रियंका, अभी नहीं आई। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन का पूरा, इसका दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो सारे करवा रखे हैं, आप देखना पीछे वाली क्लास में। भाई इसमें आंसर की में यही मान रखा है, 3.5 ही मान रखा है, एक नहीं मान रखा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये बात पहले ही बता दी थी आप लोगों को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, तो भाई देख रहा हूँ। गॉट, चलो इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो, 12 का मैं चेक कर रहा हूँ भाई। हाँ भाई बिल्कुल सही है, सही है, सही, बिल्कुल। क्या रहेगा भाई इसमें, 1.5 आएगा भाई। ठीक है, 1.5 सही है। ठीक है चलो जी अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ भाई, क्योंकि इसकी आंसर की में थोड़ा सा डाउट है, मुझे भी जो ये आंसर की आई है उसमें थोड़ा सा डाउट है इस वजह से। बकरी, बकरी बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल। क्या आएगा भाई, गोट आएगा। ठीक है, सी आंसर आपका सही है। ठीक है चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं को रोग जो मनुष्य में संचारित हो जाता है, ठीक है, खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, दुग्धजवार या रक्तस्रावी सेप्टिसेमिया। रक्तस्रावी सेप्टिसेमिया यानी हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। चलो जी अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई। बकरी, अरे वाह रे भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई। अभिषेक मोर बता रहा है, ए। चलो भाई बी, चलो भाई बताओ, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। प्रियंका बाद में बातें कर लेना, पहले आंसर दो। ठीक है चलो भाई, एंथ्रेक्स। चलो भाई ठीक है, एंथ्रेक्स बी आपका सही है। चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका, चूजों में कल्ड टोई पैरालिसिस, ये सदाबहार क्वेश्चन है, हरे पंजाब वेटनरी जो आपके सॉरी VLD वाले पिछले एग्जाम में पूछा गया था। चलो भाई, विटामिन B1, विटामिन B2, B5, B6। चलो भाई फटाफट से बताना शुरू कर दो। चलो भाई कितने क्वेश्चन है सर, 70 क्वेश्चन है भाई, टोटल 70 क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन है भाई। चलो जी आंसर फटाफट से आंसर देते रहो, बातें कम किया करो तुम लोग, है ना। चलो भाई क्या रहेगा भाई, विटामिन B2, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन। चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका, दाना फीड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? फाइबर की कम मात्रा कुल पचने योग्य पोषक तत्वों की मात्रा की कम मात्रा ऊर्जा मूल्य में उच्च या इनमें से अनाज में गुण होता है। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो भाई।
चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तुझे खाने सोने और रन पीने के अलावा कोई काम भी है क्या तेरे? जल्दी कराओ, सिर दर्द कर रहा है। कभी तो ठीक रहा अगर तू, घर वाले भी दुखी हो जाएंगे तेरे से। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पश्मीना किसकी नस्ल है? पश्मीना किसकी नस्ल है? भेड़, बकरी, खरगोश, सुअर। चलो भाई फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो भाई। साहिल प्रजापत। वेरी गुड भाई प्रियांत, मैंने खूब बार करवा दिया एक्सप्लेन। कितने बार करवाओ गया यार भाई, खूब बार करवा दिया। आप तो फटाफट से आंसर देते रहो भाई। इसका गला दबा दो, ठीक हो जाएगा। घर वाले क्या घर वाले फिर इसको मांग लिए तो कहाँ से देंगे अपन? किसकी है भाई? बकरी की है। वेरी गुड। अरे घर वाले इसके लिए दूसरी, इसके लिए दूसरी मांग ली तो कहाँ से दोगे? पिगलेट के लिए रेंगना फीड को अन्य अन्यथा के रूप में जाना जाता है। प्री स्टार्टर फीड, स्टार्टर फीड उत्पादन का चारा या फिशनर फीड। किसका? क्रीफ फीडर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई। प्रियांत रोला, कौन सा आंसर दे रहा भाई तू? अभी तक पीछे, बहुत पीछे रखा हुआ है। वेरी गुड। अभिषेक, मोर का आंसर आ चुका है। जाटनी का आंसर, ये जाटनी राजस्थान से है या हरियाणा से है? स्टार्टर फीड। वेरी गुड संदीप यादव। वेरी गुड ब्लड लाइन, बिल्कुल प्री स्टार्टर फीड आएगा। ठीक है ए आएगा भाई इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, मवेशियों में पाइका किसकी कमी से होता है? सदाबहार क्वेश्चन है। कितने बार करवा दिया पता नहीं, ठीक है पता नहीं कितने बार करवा दिया। अब आपको इसका आंसर देना है भाई। वेरी गुड। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो। मवेशियों में पाइका किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर। फास्फोरस। वेरी गुड, बहुत ही शानदार जानदार आंसर दिया। क्या आएगा भाई? फास्फोरस आएगा। ठीक है क्या आएगा भाई? फास्फोरस आएगा। ठीक है चलो जी वेरी गुड। अच्छा 7 बार करवा दिया क्या? चलो भाई अच्छी बात है, तूने तो गिन के भी रखा भाई कितने बार करवाते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है? BSF। अभी 28 अगस्त को हुआ था, ठीक है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना से बता दो। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है? विटामिन के। चलो जी वेरी गुड, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से आंसर दिया। क्या रहेगा इसमें? के रहेगा। चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसव से 3 सप्ताह पहले और 3 सप्ताह बाद की अवधि कहलाती है संक्रमण काल, प्रगमन अवधि, आवर्त काल या विभाजन काल। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो भाई, फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो। ट्रांसन, ट्रांसिशन पीरियड। चलो भाई वेरी गुड, क्या आंसर आया है? बिल्कुल ए सही है भाई, जिनका ए सही है, संक्रमण काल या ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य नमक घोल का मतलब है? सामान्य नमकीन, ये नमक है, नमक घोल का मतलब है 900 ग्राम साल्ट पर लीटर, 90 ग्राम ऑफ साल्ट पर लीटर, 9.0 ऑफ साल्ट पर लीटर या 0.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर लीटर। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ भाई। अरे अभी तो क्लास भी नहीं अटक रही, फिर कहाँ अटके हुए हो तुम लोग? अब तो क्लास भी नहीं अटक रही, तुम कहाँ अटके हुए हो भाई? चलो भाई वेरी गुड वेरी गुड। कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे अपन, है ना? कट
कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या रहेगा भाई? 9.0 ऑफ साल्ट पर लीटर, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेरित ओव्यूलेशन होता है खरगोश, बिल्ली, ऊंट या उपरोक्त सभी। चलो जी, अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई। जाटनी, पेपर कल मिल जाएगा, कल सॉल्यूशन ही करवा देंगे, कोशिश करेंगे कल ही सॉल्यूशन करवाने की, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नितिन, वेरी गुड। चलो जी, क्या रहेगा भाई इसमें? उपरोक्त सभी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका, मवेशियों में ओव्यूलेशन का समय लगभग होता है मध्यचक्र की शुरुआत के 12 घंटे पहले, मध्यचक्र की शुरुआत के 12 घंटे बाद, खड़े मध्य की शुरुआत के 24 से 32 घंटे बाद, या कोई विशिष्ट अवधि नहीं है। चलो जी, अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई, ठीक है। पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे भाई। लो भाई, तेरे को तो भाई बना लिया भाई, भाई जी भेज देंगे पेपर भी। चलो भाई, संदीप भाई पेपर भेज देना उनको, है ना। यार मुझे आता नहीं है, फैन तो मैं भी हूँ उनका, पर सॉन्ग मुझे आता नहीं है, ठीक है। फैन तो मैं भी बहुत तगड़ा हूँ उनके गान सॉन्ग। चलो जी भाई, वेरी गुड। क्या रहेगा इसमें आंसर? अरे इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ। सी, वेरी गुड। चलो जी, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 25, औषधि प्रशासन का आंतरिक मार्ग शामिल है मौखिक, अधोशिक, मलाशय या ये सभी। इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, ऑल ऑफ द अबव। अरे वाह भाई, क्या गजब गाना गया है। चलो जी भाई, वेरी गुड, बहुत ही शानदार तरीके से गाना। इसका आंसर दो भाई फटाफट से। ओरल, डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं भाई किसका सही है। भाई रहना पड़ता है भाई, लिखना पड़ता है, ऑनलाइन बिना कोई काम नहीं चलता भाई। 25 में है ऑल ऑफ द अबव, सही है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सर्वाधिक है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो। बातें कम करो, अच्छा ठीक है। और चलो भाई इसका आंसर देना शुरू कर दो। किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सर्वाधिक है? पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पंजाब, 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 वेरी गुड। क्या रहेगा भाई? पंजाब। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम उष्मायन चरण के दौरान सेटर में अंडे की स्थिति क्या होनी चाहिए? बड़ा अंत, क्षैतिज, संकीर्ण या कोई भी पद। चलो भाई, हो जाना चाहिए भाई, 67 तो बहुत ज्यादा है। अच्छा 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 अच्छा, चलो जी अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 27, में आ जाओ भाई फटाफट से। सो जा भाई, तू पहले सो। स्कीफ,
चलो भाई, लार्ज एंड अप आएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकतम अंडा उत्पादन प्रति वाली पक्षियों के लिए चरम अंडा उत्पादन अवधि के दौरान घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है 10, 12, 16, 18। 10, 12, 16, 18। चलो भाई फटाफट से आंसर बताना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ फटाफट से, और उसका आंसर देना शुरू कर दो भाई। हरिंदर, जिनको नींद आ रही वो सो जाओ, जिनको पढ़ना है वो पढ़ लो। फिर भी रहना हरियाणा में ही है। चलो भाई फटाफट से बताओ भाई। वेरी गुड, 16 से 17 घंटे। ऑप्शन में 16 से 17 घंटे भी आ सकता है भाई, ठीक है। अगर अकेला पूछे तो 16 लिखना है, ठीक है। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, लगभग में जरूर आ सकते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन है आपका, गाय के दूध का रंग वर्ण के कारण पीला होता है, कैसीन, विटामिन ए, क्लोरोफिल या बीटा कैरोटीन। चलो भाई फटाफट से बताओ। चलो भाई फटाफट से बताओ। जिसको जी ना करदा वो बात कर लो ना भाई, बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी भाई। बात करोगे तो मेरे पास ऑप्शन है, आज टेक्निकल टीम साथ बैठी है मेरी, देख लो अब आज की क्लास भी नहीं टक रही है। जैसे ही बात की, ऊट पटांग बातें हुई, वो टप मारेंगे उधर से टक, और तुम गए ब्लॉक। बी कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, वेरी गुड। क्या रहेगा भाई? बीटा कैरोटीन डी आंसर रहेगा, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन के अंत में बदिया किए गए नर गोजात को कहा जाता है ऑक्स, स्टैग, स्टीर, बुल। अब इसमें देखो उन्होंने क्या मान रखा है वो बात अलग है, इसमें पहले आप आंसर बताओ, तब तक मैं उसमें एक बार आंसर कंफर्म कर लेता हूँ भाई। मन को करवा, मन नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ही। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर बताना शुरू कर दो। वेरी गुड, स्टैग बी रहेगा भाई, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन, संपूर्ण रक्त गणना में शामिल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, टोटल सॉलिड एंड क्लोटिंग टाइम, WBC, RBC, SB, SCT, DLC एंड प्लेटलेट्स, WBC, DLC, प्रोटीन एंड बन, WBC, DLC एंड क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम। चलो भाई फटाफट से। चलो भाई फटाफट से बता दो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर। चलो भाई फटाफट से, प्यारे से विद्यार्थी हो, फटाफट से बताओ भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर देखो, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, है ना, बहुत क्वेश्चन बाकी है, तो जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। क्या रहेगा भाई? बी रहेगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोजाति में रोज बंगाल प्लेट एग्लूटेशन परीक्षण का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? बुर्सेला, कालापैर, ब्लैक टैग, ब्लॉट, फुल यानी आफरा, स्कोरलेट, जवर। 30 सर 30 वाला क्वेश्चन फिर से दिखा दो एक बार। ये ले देख भाई, बता। देख लिया क्या? चलो भाई क्या आएगा इसमें? ब्रुसेलोसिस। अगला क्वेश्चन है, नियमित रुधिर विज्ञान के लिए पसंद का थक्का रोधी है सोडियम फ्लोराइड, डेक्सट्रोसाइट्रेट, EDTA या हिपेरिन।
नहीं, उसमें यही मान रखा है, ठीक है? ट्यूशन की लैंग्वेज पढ़ो और फिर समझने की कोशिश कर। अंतिम समय में पूछा है वो। चलो अगले क्वेश्चन, 33 का क्वेश्चन का आंसर दो भाई। वेरी गुड, क्या आएगा भाई? EDTA यानी सी सही है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है, ब्रुसेलोसिस एंथ्रेसिस मनुष्य में का कारण बन सकता है? वूल सोटर रोग से, मनुष्य में थ्रस से, दांत, लकड़ी की जीभ यानी वुडन टंग। चलो जी अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो। स्टेक भी होगा, हाँ सही है भाई। चलो भाई बता दो इसका फटाफट से, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। अरे पहले क्वेश्चन को पूरे को तो पढ़ मेरी माँ, पहले पूरे क्वेश्चन को तो पढ़ दूँ। लास्ट में अंतिम समय में पूछ रहा है वो, क्या रहेगा? वूल सोटर रोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, गायों की पोस्टमार्टम जांच के दौरान उन्हें अंदर रखा जाता है, प्रस्टी लेटना, वेंट्रल रिकेम्बेंसी, दया पार्श्व लेटना या वाम पार्श्व लेटना। चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो, अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ। और उसका लैटिन लाइफ ही कहाँ है भाई? चलो भाई फटाफट से अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 35 में। वेरी गुड, लेफ्ट डी। चलो भाई क्या रहेगा भाई? डी रहेगा, लेफ्ट रेटर रिकेम्बेंसी। चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका, नवजात बछड़े को कोलोस्ट्रम की दर से पिलाना चाहिए 5% ऑफ बॉडी वेट, 10% ऑफ बॉडी वेट, 20% ऑफ बॉडी वेट या 30% ऑफ बॉडी वेट। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो भाई। चलो भाई फटाफट से आंसर बताना शुरू कर दो भाई। चलो भाई फटाफट से बताना शुरू कर दो इसका। वेरी गुड, बॉडी वेट रहेगा भाई 10%। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रोथ कल्चर मीडिया को स्टरलाइजन किया जा सकता है, ऑटोक्लेविंग, घूमन, गर्म हवा वाला ओवन या जलवंत। क्या भाई? जलवंत। चलो भाई फटाफट से। हाँ संदीप हरियाणा से है, बता। चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो भाई इसका। हरियाणा से ही है, हरियाणा से। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सारे दिन पढ़ा सकता हूँ। चलो भाई फटाफट से बताओ। अरे आंसर बताओ, बातें बाद में करना। सी गलत है भाई। ऑटोक्लेव, वेरी गुड। क्या आएगा इसमें? ऑटोक्लेव आएगा भाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र में गुप्त रक्त की उपस्थिति के लिए रासायनिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, रोथा का परीक्षण, रोबोट का परीक्षण, बेजीडाइन परीक्षण, हेज परीक्षण। चलो भाई बताओ फटाफट से। अरे नहीं आ रही भाई। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई।
चलो भाई बताओ इसका आंसर बताओ फटाफट से। वेरी गुड, सी जिनका है आंसर उनका सही है भाई, ठीक है। सी जिनका है उनका सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिस्टोपैथोलॉजी जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला यूरिनेशनल फैक्सिटिव है। चलो भाई फटाफट से बताओ। 40% फॉर्मेलिन संतृप्त नमक का घोल, 10% फॉर्मेलिन वह डेक्सट्रोज खारा समाधान। आप नींद को आ रहे हो, अच्छा ऐसी बात है क्या? सही बात है भाई, नींद को भी आ सकता है। क्या गजब बात कही है। चलो फटाफट से बताओ भाई इसका आंसर। दस परसेंट सी आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। क्या आएगा इसमें? सी आएगा भाई, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका, तेज धार वाले हथियार से हुआ घाव है। तेज धार से हुआ हथियार से घाव है, तेज धार वाले हथियार से हुआ घाव है, फटा हुआ घाव, फटा हुआ घाव। अच्छा, कटा हुआ घाव, बंदूक की गोली का घाव। अच्छा नेट खत्म हो गया है क्या? चलो कोई बात नहीं है, रिचार्ज कर लो 15 रुपये का और, ठीक है। चलो भाई, अरे यार आज पता नहीं पैर दर्द कर रहा, पता नहीं क्यों पैर दर्द कर रहा है, ठीक है। चलो भाई क्या आएगा इसमें? इनसाइज सी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जानवर रटिंग व्यवहार प्रदर्शित करता है, बकरी, भेड़, मवेशी या सुअर। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो भाई। आ जाओ भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देना शुरू कर दो भाई। चलो वेरी गुड वेरी गुड। पिग में, किस में? पिग में। तेरी तो भाई, ये लो भाई पिग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपना ही मल खाने की आदत कहलाती है, ऑटोफेगी, सह प्रकृति, साइनोफेगी या जियोनोफेगी। बताओ भाई फटाफट से, कल ही समझाया था ये। बिल्कुल सब इंटेलिजेंट है भाई, बहुत दिन हो गए क्लास लेते हुए, है ना? तो अब तक तो आएंगे ही, अब तक तो आंसर आएंगे ही आएंगे। कितने दिन हो गए? आप रेगुलर 1 महीने क्लास ले लो, देखा आपको क्वेश्चन नहीं आते है क्या? कार्पोफेजिया, वेरी गुड। रूटिंग रूटिंग, सॉरी रूटिंग रटिंग नहीं, रूटिंग रूटिंग। चलो जी भाई क्या आएगा इसमें? कोप्रोफेजिया। अगला क्वेश्चन है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 10, 28, 32। चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो भाई। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 10, 20, 28। कितना आएगा भाई? हाँ पास चल रहे भाई आपका। टेलीग्राम, टेलीग्राम भाई बेटन मान चौधरी के नाम से है। इस नाम से है भाई। बी, बिल्कुल 28 आएंगे। कितने होते हैं भाई? 28 होते हैं, ठीक है। 20, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 32 तो स्थाई होते हैं, अस्थाई की बात कर रहा भाई ये। एक मिनट रुको,
इसमें तो दे नहीं रखा रे। बीस, चलो भाई हाँ 20 आएगा भाई। ठीक है, घोड़े के यकृत दांत की मेज की सतह पर गहरे गड्ढे को कहा जाता है। घोड़े के यकृत दांत को चला भाई, फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो भाई। घोड़े के कृतक दांत की मेज की सतह पर गहरे गड्ढे को कहते हैं। अरे इसका आंसर दो रे। अरे मार्क, अगला क्वेश्चन है, घोड़े कितने वर्ष की आयु में पूर्ण मुंह हो कहलाता है। आज सुनो भाई, घोड़ा कितने वर्ष की आयु में पूर्ण मा फुल माउथ। चलो भाई, ये मैंने एक दिन बताई भी थी, फटाफट से इसका आंसर बताना। सुनो, मार्क दे रखा है भाई साहिल, मार्क। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 45, हाँ बच्चों फटाफट से आंसर दो भाई अगले क्वेश्चन का, 45 का आंसर दो। 4.5 होगा। ना 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 भाई, 4.5 कहाँ है इसमें। अब देखो, देखता हूँ 4.5 कहाँ दे रखा है भाई। अरे बावड़ो, 5 होगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था 4.5 से 5 वर्ष। अब मिलाओ देखे संख्या कौन सी है यहाँ। है ऑप्शन गलत नहीं है भाई, ये सही है। ठीक है, 4.5 से 5 ये बताया था मैंने, ध्यान रखना ये चीज। अगला क्वेश्चन है, ठंडे जूते की तुलना में गर्म जूते पहनना इसलिए बेहतर है क्योंकि स्थायित्व बैक्टीरिया और कवक को मारता है। बिल्कुल सही फिटिंग या उपरोक्त सभी। 46। अरे वो सर आ गए थे, उनको सर आ गए थे, उनको बोलने चला गया था मैं ना। डी आएगा भाई, बिल्कुल डी आएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिस्क्रिप्शन लेखन में आमतौर पर प्रयुक्त संक्षिप्त नाम बीडी का अर्थ है। बीडी, बीडी का अर्थ है, फटाफट से बताओ भाई। बीडी का अर्थ है, फटाफट से आंसर बताओ भाई इसका। अरे मैडम नहीं है रे यार, तू भी क्यों मजा ले रहा है। एक हमारे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जो शाम को 7 बजे क्लास लेते हैं ना, राजस्थान की ज्योग्राफी, वो सर है। मैडम कहाँ बैठी है भाई, मैडम होती तो मैं 24 घंटे लाइव रहता क्या मैं। हाँ यार, तुम भी कैसे बात करते हो। हाँ मेरा स्टूडियो जयपुर में है भाई। अरे रुक जा चौधरी गर्ल, कॉपी मत करे, रुक जा, दिन में 2 बार। ठीक है चलो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी वैश्विक स्तर पर पशु स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। FAO, FDA, WHO या OIE। चलो भाई फटाफट से, यार बातें तो तुम ऐसी करते, बात में दम है तभी तो बता रहा हूँ यार। तुम भी यार ना भाई, यहाँ का सिस्टम रखा ही गोल, गर्लफ्रेंड वाला यहाँ का सिस्टम रखा ही गोन भाई। डी आएगा। ठीक है चलो भाई, कोइलिन इस प्रकार का कार्य करता है, कीटाणुनाशक, अधिशोषक, शांतिदायक या इमल्सीफायर। चलो भाई
तो यार मुस्कुराहट तो आती है, लड़के तो मैडम के पीछे पड़े हैं। कोई ना भाई, कोई तो याद कर रहा ना मैडम को, किसी ने तो याद किया ना। चलो भाई फटाफट से बताओ, 49। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो अगले क्वेश्चन का। तो सर रील तो लाइक बहुत करते हो, कौन सी रील को लाइक कर दिया मैंने? तो देखते हैं तो वो तो लाइक भी हो जाती है ना। आगे से नहीं करूँगा ना, मतलब तुम पता नहीं कहाँ कहाँ तक खोज कर लेते हो, है ना। देखो रील तक पहुँच गए। अरे वाह भाई, नुस्खे के किस भाग में खुराक के प्रकार है और गुणवत्ता के बारे में जानकारी होती है? सदस्यता, शिलालेख, उपरिलेखन या हस्ताक्षर, यानी सब्सक्रिप्शन, इंक्रिप्शन, सब सुपर स्क्रिप्शन, सिग्नेचर। चलो भाई फटाफट से। अरे भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, राजस्थान वाले हैं, कुछ भी चेक कर सकते हैं, कुछ भी चेक कर सकते हैं भाई। चलो भाई फटाफट से आंसर दो, ये कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ आगे से रील भी लाइक नहीं करूँगा। देख लो इस रेखा ने कहाँ तक कहाँ कहाँ की खोज कर ली, है ना, इनक्रिप्शन। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। इमेस्कुलेटर का प्रयोग किया जाता है बधियाकरण, दंत चिकित्सा, ऑर्थोपेडिक्स या कार्डियोलॉजी के बारे में? किसका लिंक शेयर करवा रहा भाई? हैं सबको पता है भाई किस नाम से आईडी है, क्या है क्या नहीं है ना। चलो भाई फटाफट से आंसर दो, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 51 में। कास्ट्रेशन, वेरी गुड वेरी गुड। अरे जिस दिन आएगी उस दिन मिलाऊंगा आपको, टेंशन मत लो मैडम से, है ना। जिस दिन मैडम आएगी ना उस दिन मिलाऊंगा, अब आने तो दो मैडम को पहले। भोजपुरी स्टार ना भाई, नहीं जाने था मैं तो। पीक्रेट पेपर ट्रिप्स का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? यूरिया जहर देना, नाइट्राइट विषाक्तता, ताम्र विषाक्तता, साइनाइड विषाक्तता। इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो जाओ, हाँ रिसर्च मार लो मेरी, है ना लाइव। अरे आने तो दे भाई, जैसे ही मैडम आएगी मैं ले आऊंगा, आने तो दो। अरे लाएंगे लाएंगे। चलो भाई फटाफट से आंसर दो ना, मुझे किसी से सेटिंग नहीं करनी भाई, ठीक है। हाँ चेक कर लो आप, मैं चेक बता देता हूँ आपको। इस नाम से आईडी है भाई, सारे फॉलो कर लेना आज, ठीक है। चलो भाई 52 का आंसर देना शुरू कर दो, मोहनलाल सिंह बता रहा है। हाँ जो भी रिसर्च सर्च जो भी करना है वो कर लो भाई, साइनाइड विषाक्तता, है ना। चलो अंडे की सफेदी की अपारदर्शी रस्सियों जो अंडे की जर्दी को अंडे के बीच में रखती है कहलाती है एल्बुमिन, सेल झिल्ली, चालेज, चालेज, अंडे की जर्दी। चलो भाई फटाफट से बताओ, फॉलो में तो तेरे को इतने मिलेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। सारे स्टूडेंट है जानकार जानकार, फैमिली वाले ये है ना भाई। मैंने किसी को कोई प्रपोज नहीं किया, है ना, मुझे आता ही नहीं है प्रपोज करना। अच्छा आपने तो, जिन्होंने नहीं कर रखा वो सारे कर लेना भाई, फटाफट से आंसर दो भाई। अब बातें मत करो, बातें बहुत होगी, लास्ट में करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना भाई, चालेज आएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप। अपाच्य खाद्य पदार्थ जो आंतों में अनुकूलन जीवाणु की वृद्धि को चयनात्मक रूप से उत्तेजित करते हैं वह कहलाते हैं प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, सुबायोटिक्स या एंजाइम। चलो भाई अब बातें बहुत हो गई है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई फटाफट से, बहुत बातें कर ली अपन लोगों ने, ठीक है। किसी की पर्सनल लाइफ में इतना भी मत घुसो कि उसकी सारी रिसर्च करके ले आ जाओ, है ना। सर्च रिसर्च जो भी करना है वो बाद में करना। चलो आ जाओ भाई फटाफट से, आप सिलेक्शन हो फिर यहाँ आओ, फिर आपको सभी को मिलाएंगे, है ना। जितने भी विद्यार्थी क्लास में लाइव है वो सारे विद्यार्थी
सिलेक्शन लो और फिर आओ, फिर आपको मैडम से भी मिलाएंगे और आपको लाइव भी लाएंगे, ठीक है? चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो। प्रीबायोटिक, वेरी गुड। क्या रहेगा? प्रीबायोटिक बी रहेगा इसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मा कोचिन लैंगसन कुक्कुट नस्लें वर्ग से संबंधित है, अमेरिकी, अंग्रेजी, एशियाई या भूमध्य सागर। चलो भाई 55 में आंसर देना शुरू कर दो। स्नैपचैट क्या होता है भाई? ये स्नैपचैट क्या होता है? बोतल में पीता ही नहीं हूँ भाई, हमारे बोतल बंद है। सी, वेरी गुड। एशियाई, बोतल बंद है भाई हमारे, बोतल नहीं पीते हम, चाय पीते हम। चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो। एशियाई नेस्ले वोट का, अरे ना रे ना, कोई वोट का पीता, मैं तो कुछ ही नहीं पीता भाई, चाय पीता हूँ। सेल भी रहते हैं सर। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर दो। सूक्ष्मदर्शी की 10x शक्ति के अंतर्गत जांच किसके द्वारा की जाती है? तेल का उत्सर्जन, जल विसर्जन, दोनों या कोई नहीं। चलो भाई फटाफट से 56 के अंदर आ जाओ। अच्छा, पंजाबी लड़कों के घर है स्नैपचैट। अच्छा चलो भाई फटाफट से आंसर दो भाई इसका। अब लास्ट में बात करेंगे, अब खूब मजाक हो गई, अब सीरियस होके पढ़ाई में लग जाओ भाई। हाँ, जोधपुरी मिठाई लेके आना तुम। टी बता रहा भाई, इसमें सी आएगा क्या? नो इमर्सन, बिल्कुल सही है, डी आएगा इसमें, ठीक है डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दूध के लिए एक त्वरित प्लेटफॉर्म परीक्षण है? चलो भाई फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाओ भाई। क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, RBVT टेस्ट, PSPC टेस्ट, MBRT टेस्ट। चलो भाई फटाफट से अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई, फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड अभिषेक, संदीप जाटनी, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 57 में। रेखा सालवी, किसका आंसर बता रहे हो आप? डी, 57 में डी। सर मैंने कोचिंग की है LSA की, शिवाले जयपुर से। तो भाई मैं क्या करूं, अच्छी बात है कर ली तो, ठीक है। क्लोट ऑन ए बॉलिंग टेस्ट, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि निम्न में से जंतुओं में अनुपस्थित होती है? बैल, बिल्ली, कुत्ता, सुअर। अब फटाफट फटाफट आंसर दे देता भाई। COVT, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। चलो भाई फटाफट से आंसर देते रहो भाई फटाफट से। आर्यन पस गया गुंडिया में, बिल्कुल पस गया। तो भाई थोड़ा सा लेवल है, लेवल वही है। चलो भाई फटाफट से आंसर देते रहो भाई। चलो भाई, हमारे गुरुजी को जोश आ गया, उधर जोग्राफी वाले गुरुजी को बड़ा जोश आ गया है, ठीक है भाई। चलो भाई वेरी गुड, ठीक है। किससे? कुत्ता से, ठीक है। चलो जी, फेलोकैप्सियन संबंधित स्थिति का संदर्भ करता है प्यूपियस लिंग वर्सन एपिडिडाइमस, ठीक है। चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो। जा भाई जा, फील्ड दे के आ, तेरी भी जरूरी है। चलो भाई फटाफट से 59 में आंसर देना शुरू कर दो भाई। अरे 59 में आंसर देना शुरू कर दो भाई। बी, वेरी गुड। क्या रहेगा भाई? बी रहेगा लिंग। अगला क्वेश्चन है, वर्षण का थर्मोरेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? शमशान मांसपेशी,
पेम्पिनी फोरम फ्लेक्स दोनों ए और वो दो इनमें से कोई नहीं। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर देना शुरू कर दो, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाओ, 10 क्वेश्चन और बाकी है आपके। चलो भाई फटाफट से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 60 सी। वेरी गुड, क्या आएगा भाई? सी आएगा, ठीक है सी आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्कोर्बिक एसिड स्त्रावित होता है सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो भाई, चलो भाई फटाफट से बताना शुरू कर दो। मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है भाई, मैंने डिस्क्रिप्शन कर लगा रखा है, आप उसमें से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है अभी। ठीक है क्या आएगा भाई इसमें? ए आएगा, बिल्कुल ए सही है, सेमिनिकल वेसिकल से। ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका, घोड़ों में घाव बनने की सबसे आम जटिलता है गर्भित मास, सोरोमा, रक्तस्राव या इनमें से कोई नहीं। चलो भाई फटाफट से बताओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में है भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई, चलो भाई फटाफट से आंसर देना शुरू कर दो। आ तो गया है ना 62 पे, चलो भाई वेरी गुड, क्या रहेगा? ए रहेगा इसमें। ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका, सिग्मोइड फ्लेक्सर अनुपस्थित होता है सुअर, ऑस्ट्रेलियन भैंस, बैल, बुल बैल। अच्छा इसमें एक रैम नहीं राम, ठीक है चलो भाई ठीक है चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, अरे सॉरी इसमें आंसर तो बताओ, 63 में क्या आएगा? ए बी आएगा भाई, बी ऑस्ट्रेलियन। अगला क्वेश्चन है आपका, मुर्गी पालन में कौन सा अंडाशय क्रियाशील होता है, लेफ्ट राइट बोथ नोन। चलो भाई फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दो भाई, चलो भाई लेफ्ट, क्या आएगा भाई आंसर? लेफ्ट आएगा इसमें। ठीक है चलो जी अगला क्वेश्चन है आपका, लीवर फ्लूक जीवन चक्र में मध्यवर्ती मेजबान है, गेंगा, उड़न, भ्रंग, टिक्करे। टिक टिक्करे नहीं टिक। चलो भाई हाँ आगे चलते रहो, लाइक शेयर करते रहो, फटाफट से आंसर देते रहो भाई। नंबर 65, लीवर फ्लूक जीवन चक्र में मध्यवर्ती मेजबान है, गेंगा, उड़ान, भ्रंग, टिक। गेंगा स्नेल, निर्दिष्ट समय पर ज्ञात जनसंख्या में मामलों की कुल संख्या कहलाती है, घटना, संचय घटना, व्यापकता या इनमें से कोई नहीं। चलो भाई फटाफट से अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई, चलो जी भाई फटाफट से अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 66 में। वेरी गुड संदीप यादव, वेरी गुड, सी बिल्कुल सी आंसर सही रहेगा इसमें, व्यापकता। अगला है आपका क्वेश्चन 67,
डाइकाउमरीन विटामिन अवरोधक है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 67, में आ जाओ भाई फटाफट से। क्वेश्चन बिल्कुल सही है भाई, विटामिन के आएगा। क्या आएगा भाई? विटामिन के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आंतरिक अंगों के अध्ययन कहलाता है। स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन इज नाउन एज एंजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, स्पैंक्रोलॉजी, एस्थीसियोलॉजी। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 68, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट में आ जाओ, आंतरिक अंगों के दन कहलाता है एंजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, स्पेंक्नोलॉजी या एस्थीसियोलॉजी। देखो पढ़ने वाले बच्चे रह गए, फालतू के गए। मोहनलाल बता रहा सी, राहुल राजपूत बता रहा सी, बिल्कुल क्या रहेगा भाई? स्पैंक्रोलॉजी। ठीक है चलो जी, अगला क्वेश्चन है आपका, हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम। हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम। सी। क्वेश्चन नंबर 69, फटाफट से आ जाओ भाई 69 में। हे बनाने के लिए, रेखा चौधरी गर्ल, जेपी कटारिया, क्या दे रहे हो भाई आप आंसर? हैं थोड़ा सोच के तो दो भाई आंसर। बरसीम आएगा भाई, क्या आएगा? बरसीम आएगा इसमें। मक्का फिर साइलेज में क्या काम में लेते हैं? हैं साइलेज में क्या काम में लेते हैं ये बता मेरे को। सर्वोत्तम फसल बताओ जी भाई कौन सी है साइलेज में? फिर तू कैसे बता रही है मक्का हे में? हे में कैसे बता रही है? हैं पागलो। मैज। ठीक है बिल्कुल, ऐसे थोड़ा ध्यान रखा करो ना, अच्छी बात नहीं है। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन है, लंबी हड्डी सॉफ्ट कहलाता है, डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस या एपोफाइसिस। चलो भाई फटाफट से आज का अंतिम क्वेश्चन बताओ, थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, आप बहुत पुराने से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हो यार, फिर भी आप गलत कर रहे हो, ये लापरवाही अच्छी नहीं लगती। साइलेज पढ़ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है आगे से ध्यान रखना है ना। चलो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन है, उसका आंसर दो। नहीं वो बात मार रहा हूँ, गलती हो जाए सही करो, पर इनको बताना ज़रूरी है। अरे भाई यही मेरे उम्मीद है, अगले जो LSA की भर्ती में आएंगे यही विद्यार्थी मेरे को रैंक ला के देंगे, दोनों को दोनों, चौधरी गर्ल और रेखा सालवी दोनों मेरे को रैंक ला के देगी, तो इनको धमकाना पड़ता है भाई। डाइफाइसिस क्या रहेगा? डाइफाइसिस रहेगा। ठीक है ये लो जी आपका आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ, इसलिए इन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो क्या राजस्थान वाले हैं मजे मारने के लिए आते हैं चले जाते हैं। चलो भाई उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके कहे अनुसार मैंने आपको पेपर एनालिसिस करवा दिया है। ठीक है, इसी उमंग और जोश के साथ वेट संजीवनी के साथ बने रहो है ना, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो रहे और आपकी सफलता, आपको आपकी सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल देंगे नहीं, देना ही पड़ेगा। IIT BP वालों की क्लास में शुरू कर देता हूँ अभी, वही करूँगा आज।
आज आईटीबीपी का मैटर ही तैयार करूंगा। आज मैं सुबह से इसी का मैटर तैयार कर रहा हूँ भाई, है ना, इसी का मैटर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जी भाई, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक शेयर कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके जो मित्र हैं, क्लासमेट है, जूनियर सीनियर, ताकि उन सबको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी आगे बढ़ते रहे। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। पेपर हो जाएगा, पेपर की क्या दिक्कत है।